हेलो एवरीवन दिस इज़ उर्वशी राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा फोर्थ चैप्टर जो है डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन क्या होता है ये हमने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया है इंट्रोडक्शन देख लिया था हमने डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन क्या होता है ये समझ लिया था और कैसे दो क्वान्टिटी डायरेक्टली वेरी कर रही है या फिर इन्वर्सली वेरी कर रही है ये चेक करेंगे ये सब कंडीशंस ये सब सिचुएशन हमने हमारे फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में पढ़ लिया है अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की जो है टाइम एंड वर्क टाइम एंड डिस्टेंस क्या है इस टॉपिक का मतलब तो यहाँ पर जो टॉपिक दिया है इसका मतलब ये है कि अब हमें कुछ सिचुएशंस जहाँ पे टाइम और वर्क का रिलेशन हो या फिर टाइम और किसी डिस्टेंस का रिलेशन हो ऐसे कुछ सिचुएशंस दिए गए होंगे जिसमें हमें ये बताना है कि वो क्वान्टिटीज़ जिनके बारे में बात हो रही है वो क्वांटिटी डायरेक्ट वेरिएशन में है या फिर इन्वर्स वेरिएशन में है तो देखते हैं हमारा फर्स्ट सिचुएशन सो द फर्स्ट सिचुएशन इज वर्क एंड टाइम यानी वर्क और टाइम अगर दो क्वांटिटी गिवन है हमें तो ये दोनों क्वांटिटी कैसे वेरी करेंगी डायरेक्टली या फिर इनवर्स चलो समझते हैं मान लो कोई पर्सन है ठीक है वो चार घंटे में अपने चार काम कर लेता है Clear. अब उसी पर्सन को बहुत सारे काम करने हैं ठीक वो पर डे चार घंटे में चार काम कर रहा है अब अगर वो अपना काम करने का टाइम बढ़ा दे ठीक वो छः घंटे काम करने लगे तो क्या वो छः घंटे में छः काम कर सकता है बिल्कुल कर सकता है क्योंकि जो उसका बेसिकली जो उसका काम करने का तरीका है उसके अकॉर्डिंग वो एक घंटे में एक काम करता है तो जब हम उसका टाइम बढ़ाएंगे तो उसके काम करने की कैपेसिटी बढ़ेगी है ना यानी टाइम बढ़ाने पे ये जो वर्क है ये बढ़ गया ठीक इसी तरह से अगर किसी काम को तुम्हें करना है मान लो तुम्हें चार काम दे दिए गए तुम्हें उसे किसी फिक्स टाइम में करना है अब तुम्हारे पास अगर काम का लोड बढ़ा दिया जाए तुम्हें और दो चार काम दे दिए जाए तो तुम्हें काम को फिनिश करने में टाइम ज़्यादा लगेगा ना ऑब्वियस सी बात है तो ये जो वर्क और टाइम है ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट वेरिएशन में होते हैं यानी टाइम बढ़ा दो तो काम ज़्यादा कंप्लीट होगा और अगर वर्क ज़्यादा होगा तो हमें उस वर्क को कंप्लीट करने में टाइम ज़्यादा लगेगा क्लियर है अब देखते हैं हमारा सेकेंड केस क्या है सेकेंड केस समझो पहले नंबर ऑफ पर्सनस परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर वर्क एंड टाइम अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ पर्सन नहीं दिया था हमें सिर्फ दिया था कि अगर वर्क और टाइम की बात करें सीधे सीधे तो वो किस तरह से वेरी करते हैं लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन फ़िक्स कर दिया है यानी कोई एक पर्टिकुलर वर्क है जिसको कुछ लोग मिलकर कर रहे हैं ठीक है, है? मान लो कि एक घर का कंस्ट्रक्शन है एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है जिसको कुछ वर्कर्स मिलकर कर कर रहे हैं उस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए ये डिसाइड किया गया कि फिफ्टी वर्कर्स अगर काम करें ठीक कुछ दिन तक मान लो टू हंड्रेड डेज या जो भी ठीक है तो ऐसा सिचुएशन एज्यूम किया गया कि अगर फिफ्टी वर्कर्स काम करते हैं एक पर्टिकुलर बिल्डिंग को बनाने का तो मान लो कि काम जो है वो टू हंड्रेड डेज में कंप्लीट हो रहा है ठीक नंबर ऑफ पर्सन्स फिक्स है पर्टिकुलर टास्क क्या है हमारा वर्क है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग टाइम है टू हंड्रेड डेज अब ये जो नंबर ऑफ पर्सनस का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अगर ये नंबर ऑफ़ पर्सन वेरी कर जाए तो ये जो वर्क था और ये जो टाइम का रिलेशन है इसमें अब क्या वेरिएशन आएगा तो अगर मान लो किसी कारण से ये जो वर्कर्स थे इसमें से टेन वर्कर्स ने काम छोड़ दिया अब सिर्फ फोर्टी वर्कर्स काम कर रहे हैं ठीक लेकिन जो काम तुम ए, काम ये लोग कर रहे थे उस काम को करने का ड्यूरेशन ड्यूरेशन का मतलब यहाँ पर हो गया कि अगर फिफ्टी वर्क वर्कर्स रोज सुबह दस बजे से शाम के छः बजे तक काम कर रहे थे तो ये जो फोर्टी वर्कर्स हैं इन्होंने भी कह दिया कि हम दस से छः बजे तक ही काम करेंगे यानी हम अपने काम का ड्यूरेशन नहीं बढ़ा रहे हम काम उतना ही करेंगे जितना पहले करते थे लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या आया कि वर्कर्स का जो नंबर था वो कम हो गया तो अब वही वर्कर्स फिफ्टी वर्कर्स टू हंड्रेड डेज में काम कर रहे थे उनकी जगह अगर फोर्टी वर्कर्स काम करने लगे और काम उतना ही हो काम नहीं बढ़ा है ठीक है वो उतना ही काम कर रहे थे जितना ये फिफ्टी वर्कर्स हर दिन कर रहे थे तो क्या अब वो काम उतने दिन में पूरा हो पाएगा क्या वो टू हंड्रेड डेज में काम कंप्लीट हो पाएगा नहीं हो पाएगा है ना वर्कर्स कम हो गए यानी काम बढ़ गया और हर दिन सेम काम हो रहा है तो मतलब अब दिन जो है यानी जो उनको टाइम है काम को कंप्लीट करने का वो ज़्यादा लगेगा तो ये जो सिचुएशन था इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि अगर कुछ पर्टिकुलर पर्सनस को कोई एक स्पेसिफिक टास्क या वर्क दे दिया जाए टाइम दे दिया जाए तो अगर नंबर ऑफ पर्सन वेरी करता है तो उसके अकॉर्डिंग टाइम में भी चेंजेस आ रहे हैं है ना हमने देखा जब नंबर ऑफ पर्सन कम हो गए तो जो टाइम था उस पर्टिकुलर वर्क को करने का वो टाइम बढ़ गया है ना यानी ये जो दो क्वांटिटीज़ है हमारे पास ये दोनों ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इनवर्सली वेरी कर रही हैं इसी तरह से इस टॉपिक के अकॉर्डिंग हमें कुछ और कंडीशंस पढ़नी है जिसमें क्वांटिटीज़ एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस तरह से वैरी कर रहा है ये हमें देखना है तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट केस तो ये है हमारा थर्ड सिचुएशन स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन अ पर्टिकुलर टाइम क्या है ये सिचुएशन सबसे पहले इसकी बात करते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर किसी बॉडी की कोई स्पीड है जिससे वो मूव कर रहा है और वो कोई एक डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो एक फिक्स्ड टाइम में स्पीड के चेंज होने से डिस्टेंस में क्या चेंज हो रहा है क्या है इसका मतलब मान लो तुम्हें कह दिया गया कि तुम्हें अपने बाइक को चलाना है फॉर टू आवर्स ठीक या मान लो कोई राइडर है उसे कहा गया कि तुम अपने बाइक को टू आर्स ही चलाओ चाहे उसमें तुम जिस भी स्पीड से चलाना है और जिस भी डिस्टेंस से आ, को कवर करना है उससे फ़र्क नहीं पड़ता सिर्फ तुम्हें ये टाइम को फिक्स रखना है अब मान लो उस राइडर ने उस बाइक राइडर ने ये एक कोई पॉइंट है ए यहाँ से अपनी बाइक को स्टार्ट किया और वो स्टार्ट करने पे उसने अपनी स्पीड रखी टेन किलोमीटर पर आवर ठीक यानी वो एक घंटे में टेन किलोमीटर के डिस्टेंस से चल रहा है तो अब जब वो टेन किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रहा है तो मान लो वो एक घंटा चला ठीक और कितने देर चलना है उसे दो घंटे तो दो घंटे में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा पहले एक घंटे में टेन किलोमीटर उसके बाद नेक्स्ट वाले एक घंटे में भी टेन किलोमीटर यानी दो घंटे चले चलने पे इसने ट्वेंटी किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया टाइम फिक्स है स्पीड है टेन किलोमीटर पर आर और डिस्टेंस वो कवर कर रहा है तो दो घंटे में उसने कितना कवर किया आ, हमारा ट्वेंटी किलोमीटर क्लियर है अब मान लो उस बाइक राइडर ने अपनी जो स्पीड है वो बढ़ा दी ठीक उसने अपनी स्पीड कर दी अब ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर या मान लो उसका कोई ओपोनेंट है उसने चलाना शुरू किया बाइक उसने अपनी स्पीड रखी ट्वेंटी किलोमीटर पर आर अब जब इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये तो एक घंटे में ट्वेंटी किलोमीटर कवर कर रहा है है ना एक घंटे में कितना कवर कर रहा है ट्वेंटी किलोमीटर इसे भी अपनी बाइक को दो घंटे ही चलाना है क्लियर है दोनों ने सेम टाइम के लिए चलाया पर यह जो सेकेंड वाला था चलो इसको बी से लिख लेते हैं ठीक है ये जो सेकेंड वाला राइडर था इसने स्पीड तो ज़्यादा रखी तो जब ये स्पीड इसके बाइक की ज़्यादा है तो ये डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा ना उतने ही देर में है ना ट्वेंटी किलोमीटर पर आर की स्पीड है फर्स्ट आर में ट्वेंटी किलोमीटर नेक्स्ट आर में ट्वेंटी किलोमीटर तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया इसने डिस्टेंस कवर किया है फोर्टी किलोमीटर का है ना और फर्स्ट वाले ने कितना डिस्टेंस कवर किया था ट्वेंटी किलोमीटर दोनों ने सेम टाइम के लिए बाइक स्टार्ट की दोनों ने सेम टाइम के लिए बाइक को चलाया ठीक लेकिन दोनों के स्पीड के डिफरेंस के कारण उनका जो टोटल डिस्टेंस कवर होना था वो डिफरेंट आया इसकी स्पीड ज़्यादा थी तो इसने उतने ही देर में ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया तो यही था हमारा ये केस कि अगर टाइम फिक्स कर दिया जाए यानी कोई पर्टिकुलर टाइम दे दिया जाए तो उस टाइम में स्पीड और ये जो डिस्टेंस है ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में किस तरह से वैरी करते हैं तो ये जो सिचुएशन हमने देखी इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि अगर ये जो स्पीड है ये इंक्रीज हो रही है तो ये जो डिस्टेंस है ये भी इंक्रीज हो रहा है यानी हम कह सकते हैं कि स्पीड और डिस्टेंस एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली वैरी करती है क्लियर है ये बात ठीक है अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट सिचुएशन तो ये है हमारा फोर्थ सिचुएशन स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी एंड टाइम टेकन टू कवर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस यानी यहाँ पे तुम्हें एक फिक्स्ड डिस्टेंस के लिए स्पीड और टाइम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस तरह से वैरी करते हैं ये बताना है ठीक है अब थर्ड सिचुएशन और फोर्थ सिचुएशन में कंफ्यूज नहीं होना है जो थर्ड सिचुएशन था हमारा वो ये था कि अगर टाइम फिक्स कर दिया जाए तो स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस तरह से वैरी कर रहे हैं यहाँ पर तुम्हें बोला गया है कि तुम्हारा जो डिस्टेंस है वो फिक्स है और तुम्हें स्पीड और टाइम के बीच में रिलेशन बताना है तो याद करो ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमने तब डिस्कस किया था जब हम इन्वर्स वेरिएशन का कॉन्सेप्ट सीख रहे थे मान लो ये तुम्हारा होम है ठीक अब तुम अपने घर से स्कूल जाते हो है ना रोज जाते हो ठीक है अभी तो नहीं जा रहे हो लेकिन जाते थे ना या बाद में जाओगे तो ये है होम यहाँ से स्कूल जो डिस्टेंस है मान लो ये डिस्टेंस है टेन किलोमीटर का ठीक अब तुम्हारी बाइक की स्पीड है या जिस भी चीज़ से किसी गाड़ी से तुम जाते होगे या बस से जाते होगे उसकी स्पीड है टेन किलोमीटर पर आवर की तो तुम कितने देर में स्कूल पहुंच जाओगे वन आवर में पहुंच जाओगे है ना एक घंटे में टेन किलोमीटर के ही स्पीड से तो जा रहे हैं अब मान लो किसी कारण से तुम्हारी जो बस है वो उसमें कोई दिक्कत हो गई उसकी स्पीड कम हो गई ठीक अब तुम्हारा घर तो वहीं रहेगा है ना घर का लोकेशन तो चेंज नहीं होने वाला है बस के स्पीड से ऐसा तो नहीं है ना कि स्कूल दूर हो जाएगा ऐसा तो कुछ होगा नहीं बस चाहे खराब हो बस में कोई प्रॉब्लम हो होम और स्कूल का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस तो हमारा फिक्स ही रहेगा है ना तो अब जो मान लो तुम्हारा स्पीड हो गया तुम्हारे बस की वो स्पीड हो गई है फाइव किलोमीटर पर आर तो जब स्पीड कम हो जाएगी तो तुम्हें टाइम ज़्यादा लगेगा ना बस धीरे 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 चलेगी तो तुम्हें स्कूल पहुँचने में ज़्यादा टाइम लगेगा तो अब तुम एक घंटे में सिर्फ पाँच किलोमीटर जा रहे हो तो टेन किलोमीटर को कवर करने के लिए तुम्हें कितने देर तुम्हारी बस को चलना होगा टू आवर्स यानी अब बस जो है वो दो घंटे में तुम्हें स्कूल पहुँचाएगी तो ये जो कंडीशन है यहाँ पे हमारा डिस्टेंस फिक्स था है ना ये टेन किलोमीटर ये फिक्स था दोनों ही केसेस में और ये जो स्पीड है है ये ये रिड्यूस हो रही है तो स्पीड कम हो गई तो टाइम ज़्यादा लग रहा है यानी अगर डिस्टेंस फिक्स हो तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्पीड होता है और ये जो टाइम लगता है ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इन्वर्सली वैरी करते हैं क्लियर है ये बात चलो हमने फोर सिचुएशंस डिस्कस कर लिया अब हम एक लास्ट सिचुएशन डिस्कस करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो ये है हमारा फिफ्थ सिचुएशन डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टाइम टेकन बाई अ मूविंग बॉडी वेन द स्पीड इज कॉन्स्टेंट तो हमने स्पीड टाइम स्पीड डिस्टेंस इनके बीच में तो रिलेशन देख लिया अब ये जो हमारा फिफ्थ कंडीशन है इसमें हमें डिस्टेंस और टाइम के बीच में वेरिएशन देखना है जब हमारा स्पीड कांस्टेंट हो स्पीड कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ मान लो तुम्हारे जो तुम्हारी कार है ठीक उस कार की स्पीड फिक्स है कि वो टेन किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलेगी अब अगर ऐसा है तो मान लो तुम्हें कोई डिस्टेंस कवर करना है ठीक ये मान लो तुम्हारा कोई पॉइंट है ए यहाँ से तुम्हें पॉइंट बी पे जाना है जिसके बीच में है डिस्टेंस हंड्रेड किलोमीटर ठीक तो अब तुम ए से स्टार्ट करके जब बी पे जाओगे तो तुम्हारा डिस्टेंस है हंड्रेड किलोमीटर और तुम्हारी स्पीड है टेन किलोमीटर पर आर तो ये जो डिस्टेंस है इस स्पीड से कितने देर में कवर होगी तो ये कवर हो जाएगी टेन आवर्स में ठीक है अभी हम आगे एक बार जब फॉर्मूला इस टॉपिक uh, से रिलेटेड डिस्कस करेंगे स्पीड टाइम और डिस्टेंस का तब हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे कि ये टेन आर हमारा कैसे आया है ठीक है अभी सिर्फ कंडीशन को समझो क्वेश्चंस को डिस्कस करते वक्त ये सारी चीज़ें हम फिर से डिस्कस कर लेंगे कि ये स्पीड और डिस्टेंस है तो हमारा टाइम कैसे आया क्लियर है अभी एकदम परेशान नहीं होना इस चीज़ को लेके ठीक अब मान लो तुम बी से आगे बढ़ने का तुमने डिसाइड किया ठीक कोई पॉइंट पे जाना है तुम्हें जो है सी अब बी और सी का डिस्टेंस है 200 किलोमीटर ठीक अब स्पीड तो वही है लेकिन ए से बी का डिस्टेंस था 100 किलोमीटर टाइम देगा लगा 10 घंटे अब बी से सी का जो डिस्टेंस है वो है 200 किलोमीटर तो जब डिस्टेंस बढ़ गया और तुम्हारी जो कार थी उसका स्पीड तो नहीं बढ़ा तो अब तुम्हें ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के लिए ज़्यादा देर तक कार ड्राइव करनी होगी है ना तो कितना टाइम लगेगा अब ट्वेंटी आर यानी हम कह है सकते हैं कि अगर स्पीड फिक्स है यानी स्पीड कांस्टेंट है कोई चेंज नहीं हो रहा है स्पीड में तो उस केस में अगर हम डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करेंगे तो हमें उस ज़्यादा वाले डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए ज़्यादा टाइम तक ट्रैवलिंग करनी होगी है ना जब हमारा डिस्टेंस बढ़ गया तो हमारा स्पीड भी क्या हो जाएगा सॉरी टाइम भी क्या हो जाएगा इंक्रीज कर जाएगा तो ये थी हमारी लास्ट कंडीशन अब ये जो कंडीशंस हमने पढ़ी हैं स्पीड टाइम और डिस्टेंस के बीच में इतने सारे रिलेशन पढ़े हैं इन्हीं के बेसिस पे हमें एक फार्मूला पढ़ना है ठीक स्पीड टाइम और डिस्टेंस के रिलेशन का चलो उसे डिस्कस कर लेते हैं तो हमने जो कंडीशंस अभी पढ़ी उनके बेसिस पे हम ये कुछ कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं हमने देखा कि स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे वैरी कर रहे थे जब स्पीड बढ़ता है तो डिस्टेंस भी ज़्यादा ट्रैवल करते करते हैं तो ये स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली वैरी करते हैं ठीक स्पीड टाइम से इन्वर्सली वैरी कर रहा था तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का मतलब यही हो गया कि अगर ये दोनों जैसे एक दूसरे के सामने लिखे हैं ना तो हम कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट वेरिएशन में है और ये टाइम जो है ये अपॉन में लिखा है तो ये स्पीड टाइम से इनवर्सली वैरी कर रहा है अब इसी तरह से हम कह सकते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम और डिस्टेंस का वेरिएशन क्या था डायरेक्ट वेरिएशन था है ना टाइम बढ़ा देंगे ज़्यादा देर तक डिस्टेंस कवर करने का सोचेंगे तो डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर होगा ठीक टाइम और स्पीड का वेरिएशन कैसा था इनवर्स स्पीड कम कर देंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा ठीक वो स्कूल और बस वाला एग्जाम्पल जो हमने अभी डिस्कस किया अब इसी तरह से हम कह सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम ठीक तो डिस्टेंस स्पीड और टाइम दोनों से ही डायरेक्टली वैरी कर रहा था तो ये कुछ फॉर्मूलाज है जो तुम्हें याद रखना है इनका यूज करना है तुम्हें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा साइंस में मोशन चैप्टर में है ना दैट इज दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम डिस्टेंस को हम एक्सप्रेस करते हैं किलोमीटर में या ऐसा SI यूनिट की बात करें तो मीटर में इस तरह से है ना टाइम को इसके रिस्पेक्ट में आर में और अगर मीटर रहेगा तो सेकेंड में किलोमीटर पर आर ऐसे लिखते हैं ना स्पीड को तो इन फार्मूलाज़ को याद रखना ये हमें बहुत हेल्प करने वाले हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में अब यहाँ पर आज की क्लास हम एंड करते हैं हमने ये जो फाइव सिचुएशंस ये जो टाइम वर्क टाइम डिस्टेंस यहाँ पे जो टर्म्स लिखे हैं स्पीड इनके बीच में रिलेशन देख लिया हर एक रिलेशन हर एक सिचुएशन को हमने डिस्कस किया कि कैसे किस केस में कौन से कौन सी क्वांटिटीज़ एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली वैरी करती हैं या इनवर्सली वैरी करती हैं और, और क्यों करती हैं क्लियर है तो ये सारे फाइव पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिया है अब नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ठीक है तब तक तुम लोग इस टॉपिक को थोड़ा और ध्यान से देखो समझो इनको ताकि ये जो रिलेशन है तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाए ठीक है टिल देन थैंक यू एंड स्टेट यू टू माई चैनल